नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कश्मीर के सबसे फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग के बारे में। श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर गुलमर्ग कश्मीर के बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। गुलमर्ग इंडिया का एक पॉपुलर स्कीइंग डेस्टिनेशन होने के साथ साथ अपने गंडोला केबल राइड के लिए भी काफी फेमस है। गंडोला राइड अफारवत पीक के कुंगदूरी माउंटेन पर बनाया गया है और ये वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट एंड सेकेंड हाइएस्ट केबल कार है, जो 3950 मीटर की ऊंचाई पर है। ये गंडोला राइड में दो फेजेज हैं, जिसमें फेज वन में गुलमर्ग से कुंगदूर जा सकते हैं, यानी कि 2600 मीटर से 3080 मीटर सिर्फ 9 मिनट्स में, और फिर फेज टू में कुंगदूर से अफारवत पीक यानी कि 3080 मीटर से 3950 मीटर इन 12 मिनट्स। गुलमर्ग मेन मार्केट से टिकट काउंटर 1 किलोमीटर दूर है, जो आप वॉक करके या फिर टैक्सी हायर करके भी जा सकते हैं। गंडोला केबल कार के टाइमिंग्स 10 AM से 5 PM तक है और यहाँ 3 स्लॉट के टाइमिंग्स में बुकिंग ऑप्शंस हैं। गंडोला बुकिंग के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और क्योंकि यहाँ लिमिटेड टिकट्स ही अवेलेबल रहती है तो आप ऑनलाइन ही बुक करके जाए। वी सजेस्ट कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक करें और ना कि किसी एजेंट या कोई और मिडलमैन के थ्रू। गंडोला के फेज वन तक का प्राइस है 750 रुपीज पर पर्सन और फेज टू का 960 रुपीज पर पर्सन, जिसमें रिटर्न जर्नी भी इंक्लूडेड होती है। ये पूरा एक्सपीरियंस काफी स्मूथली हो जाता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपको गंडोला की लाइन में 2 से 3 घंटे वेट भी करना पड़े। हमारा एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही था, और यहाँ काफी ऐसे लोकल गाइड्स भी थे जो लोगों से पैसे लेके लाइन स्किप करवा रहे थे। तो आप जब भी जाएं इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। गंडोला केबल कार से कुंगदूर पहुंचते ही आपको यहाँ काफी स्नो एक्टिविटीज के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जैसे कि स्की, स्लेज और स्नो बाइक। स्की के लिए यहाँ प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज भी हैं, जिसमें 15 डेज की ट्रेनिंग लेके आप स्कीइंग भी सीख सकते हैं। फेज टू से नजारा काफी अच्छा मिलता है और यहाँ पे हवा भी पतली हो जाती है, तो यहाँ ज्यादा टाइम तो नहीं रुक सकते। फेज वन में खाने पीने के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे और यहाँ से ही रिटर्न जर्नी भी स्टार्ट होती है। गुलमर्ग में स्टे के लिए काफी ऑप्शंस हैं, जिसमें 3-स्टार होटल से लेकर लग्जूरियस 5-स्टार होटल्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और यहाँ पर जेएन के गवर्नमेंट के हट्स भी हैं, पर वो बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं, तो उसमें एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गुलमर्ग में काफी टूरिस्ट गंडोला राइड करके वापस श्रीनगर चले जाते हैं, बट वी सजेस्ट कि आप यहाँ एक नाइट स्टे जरूर करें, क्योंकि हमने यहाँ इतना खूबसूरत सनसेट एंजॉय किया था। और जिस दिन हमने चेक इन किया था, तब यहाँ का जो गोल्फ कोर्स है वो एकदम ग्रीन था, पर जैसे ही हमने नेक्स्ट मॉर्निंग देखा वो पूरा स्नो से कवर हो गया था, क्योंकि यहाँ फुल नाइट स्नोफॉल हो रही थी। एंड हम शायद ये इतना मेस्मराइजिंग व्यू मिस कर देते अगर हम यहाँ ना रुकते। सो वी हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ एटलीस्ट वन नाइट स्टे तो जरूर करें। हमने अप्रैल के फर्स्ट वीक में गुलमर्ग विजिट किया था, एंड हमें फेज वन में ही काफी ज्यादा स्नो मिल गई थी, क्योंकि बहुत हैवी स्नोफॉल हो रही थी, इतनी कि तब फेज टू में जाना अलाउड भी नहीं था। गुलमर्ग अगर आप जुलाई से नवंबर में विजिट करते हैं तो फेज वन में तो स्नो हार्डली ही देखने मिलेंगी, तो इसीलिए तब आपको फेज टू तक जाना ही पड़ेगा स्नो एंजॉय करने। लेकिन अगर आप दिसंबर से जून में विजिट करते हैं तो फेज वन में ही आपको स्नो देखने मिल जाएगी। हाँ, अगर आप तब भी अफारवत के पीक से व्यू देखना चाहते हैं तो फेज टू तक जाना वर्थ इट है। गुलमर्ग में घूमने के लिए स्नो बूट्स तो चाहिए ही, पर सीजन के अकॉर्डिंग हो सकता है साथ में जैकेट और ग्लव्स भी लेने पड़े। तो इन चीजों को कैरी करने की जगह आप गुलमर्ग से 13 किलोमीटर पहले टंगमर्ग आता है, वहाँ से रेंट पर ले सकते हैं। यहाँ जैकेट्स और बूट्स का एक दिन का रेंट 300 से 500 रुपए तक रहता है, और यहाँ बार्गेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है इसके लिए वो आपको 500 से 1000 रुपीस भी बताएं। गंडोला के साथ साथ यहाँ 5 से 6 साइट सीइंग पॉइंट्स भी हैं। इन व्यू पॉइंट्स में खिलनमर्ग काफी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है।
इन्हें आप हॉर्स राइड करके या फिर टैक्सी करके भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ हॉर्स राइड करते हैं तो ध्यान रखें कि आप इसके लिए भी बार्गेन जरूर करें, क्योंकि यहाँ मोस्टली आपको प्राइस बढ़ा कर ही बताएंगे। तो ये थी सारी डिटेल्स जो आपको गुलमर्ग जाने से पहले काम आ सकती हैं, और इसके अलावा किसी और जानकारी के लिए आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें और हम हो सके उतनी आपकी हेल्प ज़रूर कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।